नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं कि निफ्टी 50 कल के दिन कहाँ कामकाज कर सकता है और हमने एक्सपायरी के लिए आज के लिए क्या डिस्कस किया था। तो दोस्तों, हमने क्लियर गैप डाउन की पोजीशन में एक ही डिस्कशन किया था कि 16,670 के पास में हम कोई पुट की पोजीशन बनाएंगे और उसका 16,670 के पास में हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और जिसका 17,710 या 15 हम एक एसएल रखेंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि फ्रेंड्स कि मार्केट ने एक्जेक्ट वहीं से रिजेक्शन खाया, 706 से मार्केट ने रिजेक्शन खाया। और हम मैंने एक लाइव ट्रेड भी बैंक निफ्टी और इसकी निफ्टी की दोनों की दी थी, वीडियो आप इसमें मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर जब स्टार्ट में जिसने पुट ले लिया होगा तो डेफिनेटली सबको ये लगा होगा कि मार्केट तो ऊपर जाएगी। होता क्या है ना कि हमारी एक्सपायरी के दिन मानस इस तरह से बन जाता है कि बस अब तो मार्केट ऊपर जाएगी। और एक ट्रेंड लाइन बताई थी कि मैंने कि वहां से अगर ऊपर जाएगी तो ही हम कोई कॉल लेंगे, तो कॉल साइड में बनता नहीं था। लेकिन मैं आपको 5 मिनट के कैंडल पे बताता हूँ कि कहाँ पे हम नीचे की साइड कॉल ले सकते थे। तो फ्रेंड्स, एक मैंने एनालिसिस है जो इनसाइड कैंडल की एनालिसिस होती है, तो वो ये थी। ठीक है, एक यहाँ पे इनसाइड कैंडल हुई, ये जो बेरिश की है, और एक इनसाइड कैंडल ये थी। तो इनसाइड कैंडल के मतलब जो ग्रीन के बाद में बड़ी रेड, रेड के बाद में बड़ी ग्रीन और फिर अगेन ग्रीन बन जाए तो फिर हम यहाँ पे एक कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। नीचे में हमने टारगेट काफी लंबे दिए थे, 17,450 या 80 के आसपास, तो वहां तक मार्केट नहीं गई लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट में रहे। तो दोस्तों, कल फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरह से काम काज कर सकती है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एसएल जो लगाते हैं वो लगाते हैं नॉर्मल 20 25 30 पॉइंट, लेकिन इंडेक्स के हिसाब से एसएल लगाएं। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि इंडेक्स आपके स्पोर्ट लेवल जो होते हैं वहां से, यानी कि मार्केट नहीं घूमती और यहां पे आपका एसएल हिट करा के वापस ट्रेड उसी लेवल पे आ जाती है। इस तरह से किस किस के साथ हुआ, जो भी जिसके साथ भी ऐसा होता है तो वो मेरे को जरूर कमेंट में बताएं। तो उसका सोल्यूशन यही है कि इंडेक्स के हिसाब से ही किसी ट्रेड की तरफ यानी कि एसएल लगाया जाए। तो अब बात करते हैं दोस्तों, देखो आप मार्केट ने एक मैंने ये ट्रेंड लाइन बना दी है और यहां से दो जगह से रिजेक्शन खाया है। ठीक है, तो अब हम कॉल की अपॉर्चुनिटी एक या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लें या फिर ये जो 17,725 की जो पीछे से एक रेजिडेंस आ रहा है, बड़ा रेजिडेंट है, तो फिर ये इसके ऊपर कोई कॉल की अपॉर्चुनिटी लें। तो 17,725 के ऊपर कोई कॉल कल अगर फ्लैट खुल के अगर इस लाइन को यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड, तो यहाँ पे एक पुट की बन सकती है कि एक रिजेक्शन के लिए, क्योंकि एक बार दो बार और हो सकता है कल तीसरी बार भी यहाँ से रिजेक्शन खा के फिर मार्केट नीचे की साइड आ जाए और हो सकता है ये एक W पैटर्न बना के इस तरह से नीचे गिर जाए। तो एक तो पुट की पोजीशन इस तरह से ली जा सकती है, फर्स्ट अगर गैप अप खुल जाए इसके ऊपर और यहाँ पे एक पुट की पोजीशन लेके अगर हमारा ऐसा हिट हो जाता है तो हम इमिडिएटली कॉल साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऊपर में हमारे टारगेट हो जाएंगे 17,920 के टारगेट हम ऊपर की साइड में इजीली अचीव कर सकते हैं। अब है फ्रेंड्स कि अगर फ्लैट खुल के नीचे की साइड आती है तो नीचे के अंदर हम पुट लेंगे ओनली 17,500 पे यहाँ पे मार्केट ने 17,550
यहाँ से लिया है, यहाँ से ये भी है सपोर्ट के लिए 17,500, तो डेफिनेटली हम 17,550 के नीचे ही कोई फुट की पोजीशन बनाएंगे अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो हम, क्योंकि कॉल और पुट के अंदर मार्केट की क्लोजिंग बीच में है, अब बीच में भी यानी कि ये 100 पॉइंट तो ऊपर है, 100 पॉइंट नीचे है, तो एसएल हमारा हो जाएगा बड़ा। तो मार्केट को या तो इस पॉइंट पे जाने दे या नीचे वाले पॉइंट की तरफ आने दे, जिधर भी जाए, या फिर हो सकता है कल के दिन बीच में इसी पैटर्न में पैरेलल चैनल के अंदर ही निफ्टी टाइम पास कर सकता है। तो हम 17,550 के नीचे कोई पुट की पोजीशन बनाएंगे, हमारा एसएल रहेगा 50 पॉइंट का, और नीचे में हम 17,400 और 17,300 तक के कल के लिए टारगेट नीचे में दिख सकते हैं। तो इनसाइड कैंडल पे ट्रेड करना लाइव मार्केट के लिए, एक बार लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं तो मेरा एक प्लेलिस्ट है स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स, उसके अंदर लाइव मार्केट में किस तरह से पुट लें या कॉल लें, तो वो इनसाइड कैंडल के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है, तो वो आपको हेल्प करेगा कि अब मार्केट रिवर्स मारेगी या अब वहां से, जैसे अब यहाँ पे लोगों ने खूब बेचा, बेचते 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 यहाँ पे जब ये इनसाइड कैंडल इसने बनाई है तो फिर यहाँ से मार्केट एकदम रिवर्स हो गई। यहाँ पे कि अगर कोई कॉल लेता तो जितना इसमें नहीं कमाया उससे ज्यादा इसमें कॉल में कमा लेता। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाते हैं ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।